प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। सभी जिलों ने कार्यों का दिया अपना अपना प्रेजेंटेशन, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा को देखते हुए जनपद पुलिस द्वारा बाइक रैली और ड्रोन के माध्यम से शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए लगातार की जा रही है निगरानी। अब तक राजघाट, कोतवाली और गोरखनाथ थाना क्षेत्रों में 54 लोगों को दिया गया है नोटिस। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। गोरखपुर में योग अमृत सप्ताह का हुआ शुभारंभ। सीडीओ ने कहा जिले के सभी नागरिक आयुष कवच ऐप डाउनलोड करके रोज करें फोटो अपलोड। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने इनोवेशन पोर्टल किया लॉन्च। देश के प्रतिभाशाली युवा नई तकनीक के माध्यम से रेलवे के बड़े विकास में दे सकेंगे योगदान। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट आदित्य यादव के जीवन गाथा पर है सटीक। गोल्डन गर्ल आदित्य यादव के घर तक जीडीए बनवाएगा सड़क। जीडीए उपाध्यक्ष ने कहा सड़क बनाने के लिए 50 लाख का बजट किया गया है पास, एक महीने के अंदर काम होगा शुरू। सत्रह जून को आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा सामूहिक विवाह में 250 जोड़े होंगे शामिल। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में 102 और 108 एम्बुलेंस के ड्राइवरों की बैठक हुई सम्पन्न, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रामगढ़ताल क्षेत्र में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए जीडीए के द्वारा बनाया जा रहा वर्क। मुख्यमंत्री को संस्तुति के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। चौबीस जून को मंडल स्तरीय रोजगार मेले में किया गया है आयोजन। 5 बच्चों को रोजगार देने का रखा गया है लक्ष्य, सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने दी जानकारी। रामगढ़ताल झील के किनारे लगे रेलिंग को जीडीए के द्वारा सुंदर रेलिंग के रूप में जा रहा है बदला। कार्य है जारी, जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा रेलिंग में लाइट व बैठने की जा रही है व्यवस्था। गोरखपुर के 5 विद्यालयों में लगाया जाएगा इंडक्शन कुकर। 4 परफॉर्मेंस ग्रांट व 1 भिलोरा गाँव के विद्यालय को किया गया है चयनित। दो महीनों में रामगढ़ताल झील में उतारा जाएगा क्रूज, जीडीओ उपाध्यक्ष ने कहा 3 महीनों में क्रूज को रामगढ़ताल झील में उतारा जाएगा। टेंडर किया गया है जारी, 4 लोगों ने जताई है सहमति, बातचीत है जारी। घुड़सवार पुलिस ने महानगर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करके नागरिकों में सुरक्षा का दिलाया एहसास। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा शहर में पेट्रोलिंग शांति व्यवस्था में मददगार होती है घुड़सवार पुलिस। और गोरखपुर विश्वविद्यालय में विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। ब्लड डोनेशन करने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट देकर किया गया सम्मानित।